हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड बाय मिदुला। आज हम दिखाएंगे सिंपल एक रेसिपी लेमन आलू। इसको हमने विदाउट अनियन गार्लिक बनाया है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये झटपट से बन जाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट ऑयल। आलू की छिलका हटा के लंबे लंबे काट लिया है। सरसों के दाने, सूखी लाल मिर्च, नींबू, इसकी जूस निकाल लेना है, दूध, नमक, ग्रीन चिली और खसखस पेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। अब ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, फिर उसमें सूखी लाल मिर्च और सरसों के दाने डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद सरसों के दाने जब चटकने लगे, फिर उसमें आलू को डाल दीजिए। इस रेसिपी की हर इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद आलू के ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए स्वाद अनुसार। अब आलू को उसके कलर चेंज होने तक थोड़ा सा फ्राई कीजिए। मैंने यहाँ पर आलू को सैलो फ्राई किया है, आप लोग चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आलू जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर उसमें दूध और खसखस पेस्ट डाल दीजिए। मैंने इस रेसिपी में हल्दी ऐड नहीं किया, इस आलू को सफ़ेद ही रखना है। अब दूध और खसखस जब थोड़ा सा उबल आ जाए, तब आलू को अच्छे से पकने के लिए 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। 10 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखिए, ग्रेवी जब थोड़ा सा सूख जाए, फिर उसमें ग्रीन चिली डाल दीजिए। अब आलू को और थोड़ी देर सूखा लीजिए। जब पूरी तरह सूख जाए ग्रेवी, फिर ऊपर से थोड़ा सा नींबू की रस और धनिया पत्ता छिड़क के आलू को और थोड़ी देर ढक के सर्व कीजिए। लेमन आलू ये रोटी, पराठा, लूची के साथ सर्व किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरी बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को आगे से और भी नई नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।